और ये सामने से गाड़ी वाला रुका नहीं यार, अब इसके ऊपर से लेके जाऊंगा मैं ना। तो मैं अभी अपने फार्म पे काम कर रहा था और बारिश शुरू हो गई और मेरी सारी गाड़ियाँ वगैरह बाहर खड़ी हुई हैं। पहले तो मैं इन गाड़ियों को अंदर कर दूँ, ये यहीं पे इधर पार्क करता हूँ इसको, इसके लिए तो जगह है यहाँ पे, क्योंकि ये बारिश में बाहर भीगेंगी और मुझे साफ़ करनी पड़ जाएंगी। और अपनी जो है इस वाली बाइक को भी अंदर पार्क करता हूँ और इस रेंज रोवर को भी यहीं पार्क कर दूँगा। तो गाड़ी तो पार्क होगी, इस वाली बाइक को भी अंदर ही पार्क कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी सारे व्हीकल्स तो अंदर ही हैं, पर एक ट्रैक्टर बाहर है जो खेत में काम कर रहा था। इधर वाले शटर को तो कर दूँ बंद और इसको खुला रहने देता हूँ। और यहाँ पे एक आइचर वाला ट्रैक्टर भी बाहर भीग रहा है। अभी वैसे हल्की हल्की धूप निकल रही है तो बारिश रुक जाएगी, और बारिश काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुई है इस गेम में। ज़्यादातर तो बारिश नहीं होती, बट अभी सितंबर का सीज़न चल रहा है तो शायद बारिश हो रही है। और आज अपने खेत रेडी हो चुके हैं, जो मैं लास्ट टाइम शोरगुम लगाई थी वो शोरगुम भी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब बस मुझे हार्वेस्ट करनी है, और पहले तो जो है अपनी ग्रेन मिल स्टार्ट करूंगा, वहाँ पे आटा बनना शुरू हो जाएगा शोरगुम से। और उसके बाद जो है अपने एनिमल्स को डाल दूंगा, हॉर्स को डाल सकता हूँ, पिग्स को डाल सकता हूँ, और जो बाकी बचेगी उन्हें अपने साइलों में स्टोर कर लूँगा तो अपने काम आती रहेगी। बाकी वाला ट्रक मैंने सीधा कर दिया था, इसे मैं यहाँ पे ले आया जिसमें मिनरल फीड रखे हुए हैं। तो उसको सीधा करने के लिए मैंने सिंपल किया इतना कि ये सारा सामान पहले अनलोड किया, उसके बाद इसको हल्का सा पुश किया मैंने ट्रैक्टर से तो ये सीधा हो गया। और फिर मैं सामान लोड करके यहाँ पे ले आया, और ये बेल्ट बांध के सामान मैंने यहीं पे छोड़ रखा है, और ये सारे सामान भी यहीं पे रखे हुए हैं। और ये वाली गाड़ी को मैं फिलहाल ले चलता हूँ। और वैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह बाहर पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, वो तो भीग के इतना ख़राब नहीं होएंगी। तो एक तो ये वाला खेत है, इसी को देख लेते हैं। हाँ, शोरगुम बिल्कुल रेडी है एकदम, तो इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये वर्कर ने काम किया था तो यहाँ पे एक ही लाइन छोड़ दी, इधर जो है सीड्स नहीं लगाए। चलो कोई नहीं, ये खेत काफ़ी बड़ा है, इतने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये तो मैंने गाड़ी बीच में खड़ी की हुई है इसलिए यहाँ वेट कर रहा है, तो थोड़ा पीछे करके गाड़ी को यहाँ ही पार्क करता हूँ। और मुझे चलना है शॉप पे, शॉप पे चल के जो है हार्वेस्टर लेके आना है रेंट पे, और इस गाड़ी को थोड़ा इधर करके पार्क करता हूँ, यहाँ पेड़ के नीचे आ जाएगी। तो इधर इतनी बारिश आ भी नहीं रही, यहाँ पे पेड़ तो है ही, तो अभी चल के एक बार शॉप से हार्वेस्टर ले लेता हूँ। तो ये जॉन डियर का X9 1100 सबसे सही है, इसको लेते हैं रेंट पे। और इसके लिए लेना है हेडर, अब और हेडर शोरगुम के लिए जॉन डियर का ही ले लेता हूँ। जॉन डियर का ये HD45X आता है, ये कितना है, 13.7 मीटर लंबा है, ये 15.2 मीटर है, तो ठीक है इसको रेंट पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो है बड़ा हेडर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा अपना जॉन डियर का हार्वेस्टर और ये रहा हेडर, और ये हेडर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर मैं बड़े वाला हेडर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी है और खेत सामने ही है, यहीं तक मुझे लेके जाना है। बाकी अगर मैं कहीं और इस बड़े हेडर को यूज़ करना चाहूँ तो वहाँ पे दिक्कत होगी, इतने बड़े हेडर को ले जाने में काफ़ी इशू रहेगा, तो इतना वाइड रास्ता ही नहीं होता। ये हेडर कहीं ना कहीं लाइटों पे टच हो जाता है, कहीं पेड़ों पे टच हो जाता है, तो इसको ज़्यादा दूर ले जाने के लिए वही करना पड़ेगा कि इसमें पीछे हेडर वाला ट्रेलर अटैच करना पड़ेगा, उस ट्रेलर पर से लोड करना पड़ेगा और फिर ले जाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। अभी नॉर्मली यहाँ तक तो जो है ऐसे ही लेके जाऊँगा इसको मैं, कोई ट्रेलर की ज़रूरत नहीं है। और इसको अटैच करने के लिए है इस साइड इसका, और ये जॉन डियर का हार्वेस्टर भी काफ़ी बड़ा है। तो एक बार इसके अंदर से भी देख लूँ, ये वाला हार्वेस्टर मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, और इसका इंटीरियर बड़ा लाइट कलर का है, हेडर इससे ऊपर नीचे हो जाता है। और अभी सारे वाइपर ऑन है क्योंकि बारिश हो रही है, तो हार्वेस्टिंग में तो कोई इशू नहीं है, बारिश हो रही है तो मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ, यहीं से हार्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें लिखा आ रहा था कि अगर रेन के टाइम पे हार्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी यील्ड कम होएगी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी स्टार्ट करता हूँ, बारिश तो थोड़ी देर में रुकने वाली है वैसे भी। और वर्कर मैंने यहाँ साइन कर दिया है, इसको काम करने देते हैं। और अभी मुझे चलना पड़ेगा एक बार जहाँ पे मैंने कैंप लगाया था, तो उस कैंप की लोकेशन पे अपनी बड़े वाली ट्रॉली खड़ी हुई है, और तब मैंने सोचा था कि मैं इसको बांधने के लिए आऊँगा, बट काफ़ी टाइम हो गया मैं उसको लेके नहीं आया, और उस ट्रॉली की मुझे आज जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी जब शोरगुम हार्वेस्ट हो रहा है तो ये हार्वेस्टर फुल हो जाएगा, फिर इसको खाली करने के लिए उस ट्रॉली की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि वो शोरगुम मुझे यहाँ पे अपने फार्म तक भी पहुँचाना है। तो उस ट्रॉली को लाने के लिए मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, और ट्रैक्टर वैसे अपना JCB वाला यहाँ पे फ्री खड़ा हुआ है, उसी को ले लेता हूँ, उससे ले आता हूँ, या फिर ये वाली गाड़ी अटैच कर लूँ, इस वाली गाड़ी को ले चलता हूँ, इस गाड़ी से अटैच करके ले आऊँगा, इसमें तो पीछे अटैच हो जाएगा। तो ये खेत मैंने सेल कर दिए थे, और किसी ने यहाँ पर सनफ्लावर्स लगाए हुए हैं, पर सनफ्लावर्स देखने में काफ़ी सही लग रहे हैं, एक मिनट पास से भी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे सनफ्लावर लगे हुए हैं, और यहीं पे मैंने कैंप लगाया था सामने,
और वो वहाँ पे अपनी ट्रॉली पार्क हो रखी है। ये रही अपनी ट्रॉली और बाकी ये रही अपनी कैंप की लोकेशन। अब ये ट्रॉली इसमें अटैच होगी भी या नहीं होगी ये भी देखना पड़ेगा। लग तो रहा है इसका वही सेम है। हाँ अटैच हो गई। एक दूसरी तरह की ट्रॉली भी आती है उसमें जो है बीच में अटैच करने वाला थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसके लिए डिफरेंट हिच लगती है तो ये वाली हिस्से को कनेक्ट नहीं होता। वैसे स्टैंडर्ड हिच जो है यही वाली है जो इसमें लगी हुई है गाड़ी में, इससे ज़्यादातर चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। तो इस ट्रॉली को इतने मैं यहाँ लेके पहुँचा हूँ खेत के पास, इतने बारिश भी रुक गई और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। और अभी हार्वेस्टर को देख लेता हूँ, वैसे फुल तो नहीं हुआ होगा क्योंकि इस हार्वेस्टर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है बट इसने काफ़ी सारा खेत हार्वेस्ट कर दिया है तो इससे थोड़ा सा शोरगुम खाली कर लेते हैं। और पहले मैं अपने ग्रेन मिल में शोरगुम सप्लाई कर दूँ। ग्रेन मिल अभी बंद पड़ी हुई है, थोड़ा सा शोरगुम डालूंगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अब रुक जा, लोड तो कर दे, कहाँ भगाया जा रहा है इसको। वह गाड़ी फंसाएगा क्या इसमें? ये वर्कर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे को। यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी के आगे ना यहाँ पे अड़ानी पड़ेगी तब रुकेगा ये। अब आया, थोड़ी सी ट्रॉली जो है इसके साथ साथ चला लेता हूँ, ये इसमें भर देगा। तो अभी 9916 लीटर शोरगुम आ चुकी है। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, शोरगुम जो है उसको हिंदी में ज्वार बोलते हैं तो ये अपने यहाँ भी काफ़ी होती है। तो इसको मेरे को सबसे पहले ग्रेन मिल में सप्लाई करना है क्योंकि ग्रेन मिल स्टार्ट करनी है। ग्रेन मिल स्टार्ट होगी तो अपनी बेकरी स्टार्ट होगी। और ये भी अपनी ग्रेन मिल यहाँ पे लाके बस इसको अनलोड कर देना है। आगे अनलोड करने का ऑप्शन, ये हो गई सारी खाली। और एक बार ग्रेन मिल को देख लेता हूँ। तो ग्रेन मिल ये शोरगुम से बनना स्टार्ट हो गया है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिंग मोड पे किया हुआ है। इससे क्या होगा कि अपने यहाँ जितना भी आटा बनेगा चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, व्हीट का हो, बार्ले का, ओट का या शोरगुम का, वो अपने यहाँ पे ही सप्लाई होने वाला है। जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट है या फिर अपने रेस्टोरेंट है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है आटे की वो वहीं पे ही जाएगा। इससे क्या होगा, अपने यहाँ प्रोड्यूस होगा आटा और अपने यहाँ ही यूज़ होगा। और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है मतलब बेकरी पे ऐसे केक वगैरह है वो बना के मैं सेल करूँगा, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अपने रेस्टोरेंट पे पिज्ज़ा वगैरह बना के सेल करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और रेस्टोरेंट मैंने लगा ही रखा है। ये तो स्टार्ट हो गया और हार्वेस्टर ने वाला खेत वैसे ऑलमोस्ट हार्वेस्ट कर ही लिया है। तो अब ये वाला खेत मुझे रेडी करना है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। और अभी सेप्टेम्बर का मंथ है, सेप्टेम्बर के मंथ में मैं जो है वीट लगा सकता हूँ और वीट मुझे चाहिए क्योंकि वीट से भी आटा बनेगा। इस वाले खेत में वीट लगाने के पहले तो कल्टीवेटर लेके आना पड़ेगा। और अभी के अभी एक ट्रैक्टर मेरे पास वहाँ सामने खड़ा हुआ है, उसमें सीडर लगा हुआ है बट एक ट्रैक्टर से जो है काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि एक नया ट्रैक्टर और लीज पे ले ही लूँ। एक कल्टीवेटर तो रेंट पे लेना है ही, उसे मैं यूज़ करके वापस कर ही दूंगा। तो अभी रेंट पे ले ही लेता हूँ एक ट्रैक्टर और ट्रैक्टर में देख लेते हैं कोई नया ट्रैक्टर आया हो। तो वैसे तो अभी नया ट्रैक्टर शायद कोई आया नहीं है, सब पुराने ही हैं। एक ही ट्रैक्टर आया है, ये ऑटोनोमस वाला है बट इसका मेरे को देखना पड़ेगा अभी कि ये चलता कैसे है। विदाउट ड्राइवर वाला ट्रैक्टर है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। बाकी इसका भी देख लेंगे और फिर बाद में इसको मैं परचेज करूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, बड़ा ट्रैक्टर लेता हूँ क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर ही चाहिए। कल्टीवेटर में बड़े वाला यूज़ करने वाला हूँ। बड़े ट्रैक्टर मैंने ना ये वाला ट्रैक्टर ट्राई नहीं किया शायद कभी, केस टू का 340 है ये। और इसमें इंजन की ऑप्शन भी आती है तो नॉर्मल इंजन का 374 हॉर्स पावर का है, ये वाला 417 का है, ये वाला 435 का है। तो सारी चीज़ इसकी ठीक है, इस बस इसका इंजन थोड़ा मैंने ज़्यादा पावर का कर दिया है। और इसको ले लेते हैं रेंट पे, तो 17,467 यूरो का पड़ेगा रेंट पे, चलो लेना तो है ही। और अब बड़े वाला कल्टीवेटर चाहिए, कल्टीवेटर ये रे, सबसे बड़ा कल्टीवेटर यही मिल रहा है 5.7 मीटर वाला, यही मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, इसको भी रेंट पे ले लेता हूँ। ये आगे ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर सही लग रहा है, इतना बड़ा भी नहीं लग रहा देखने में बट ठीक है, आगे से काफ़ी ऊँचा है। और इंटीरियर भी देख ही लें इस ट्रैक्टर की, सीट का कलर तो काफ़ी सही है इसका। और पीछे क्या है इसमें, ये कुछ छोटा फ्रिज वगैरह है क्या इसके अंदर? ढक्कन तो ऐसे लग रहा है मेरे को। और इधर तो कंट्रोल हैं सारे के सारे, और ये इधर लाइट वगैरह की नॉब है। ऊपर क्या, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं और इधर भी कंट्रोल है और पीछे भी स्पीकर हैं, तो टोटल 4 स्पीकर हैं इसके अंदर। सही म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, पिकअप तो काफ़ी अच्छा है। पावर ठीक है, 435 हॉर्स पावर क्या ये वाला, कोई लोड तो पड़ ही नहीं रहा है इस पर, सही चल रहा है। तो यहाँ से इसको कल्टीवेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया और सामने हार्वेस्टर भी रुक गया है और यहाँ वर्कर असाइन कर दिया। और इस हार्वेस्टर को ले चलता हूँ दूसरे वाले खेत में और अभी हाथ के हाथ जो है सीडर भी ले ही आता हूँ। और ये एक ट्रैक्टर यहाँ कल्टीवेट कर रहा है, दूसरा ट्रैक्टर यहाँ पर सीडर लगा देगा और ये हार्वेस्टर दूसरे खेतों को हार्वेस्ट कर लेगा। तो साथ के साथ सारा काम होता रहेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, खेत अपने खाली नहीं रहेंगे। और अभी वैसे 79% फुल हो चुका है तो एक काम करता हूँ ना, इस हार्वेस्टर को डायरेक्टली यहाँ से जो है अनलोड कर दूँ
और अभी तो दिक्कत ये भी है कि ये हार्वेस्टर इस वाले ब्रिज से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ब्रिज से निकलने से पहले तो ये इन पेड़ों के बीच से ही निकल जाए। थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे लेके जाऊंगा तो भी नहीं निकलेगा। दूसरे वाला रास्ता जो दूसरी साइड है, अगर मैं उससे लेके आऊँ तो वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे तो पक्का फंस जाएगा। और अभी देखना पड़ेगा इस ब्रिज को कैसे पार करना पड़ेगा। इसकी विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा है और ये ब्रिज की काफ़ी छोटी है। और कोई रास्ता अगर हो सके इधर से, वहाँ सामने रेलवे का ब्रिज है बट उस पर भी जो है साइड में इलेक्ट्रिसिटी के जो है पोल लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी नहीं निकाल सकता। और इधर की साइड अगर मैं ले जाना चाहूँ तो इधर की साइड से भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहाँ तो छोटा वाला ब्रिज ही है। और अब इसके लिए या तो मुझे ट्रेलर लेके आना पड़ेगा, यही तरीका एक हो सकता है कि ट्रेलर के थ्रू मैं इसको पार कर पाऊँ, या फिर इसको वापस करके छोटे वाला हेडर लूँ। बट छोटे हेडर से काम बहुत स्लो होता है और पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है। तो इधर वापस तो हो गया, अभी मैं हेडर ही चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा छोटे वाला हेडर ले लेता हूँ। बड़े हेडर में यही इशू रहता है ना कि हर जगह पहुँच नहीं पाता। इस वाले खेत में पहुँच गया था क्योंकि ये खेत सामने ही था। फिलहाल ये वाला हेडर तो हटा दिया और थोड़ा हार्वेस्टर को पीछे करके पार करता हूँ और इस हेडर को करता हूँ वापस। तो लीज्ड आइटम में यहाँ पे ये रहा हेडर, इसको वापस करके छोटे वाला हेडर ले लेता हूँ। जॉन डियर का ही लेना है, तो जॉन डियर का ये वाला कितना है, 13.7 मीटर है, ये भी निकल पाएगा। मेरे को 10-11 मीटर के आसपास रखना है। तो ये वाला जॉन डियर का जो आता है 7.6 मीटर है, और ये न्यू होलैंड वाला भी इसमें अटैच हो जाएगा। वैसे ये 8.5 मीटर का है, तो 10 मीटर से कम है, तो उस वाले ब्रिज से ईजिली निकल जाएगा। ये आगे नया हेडर, अब बस इसको अटैच करके लेके चलना है। और अब ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा मेरे को हार्वेस्टर ना दूसरी साइड है इसका अटैच करने के लिए। तो अब ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा कम हो गया, अब ये इजीली कहीं से भी निकल जाएगा। तो ये मैं करता हूँ, इस हार्वेस्टर को मैं डायरेक्टली ग्रेन मिल में ही खाली कर लेता हूँ। यहीं पर इसका पाइप ओपन कर लेता हूँ और ये यहीं पर खाली हो जाएगा। हाँ, ये डायरेक्टली ग्रेन मिल में ही जा रहा है, तो ये सारा का सारा यहाँ पे खाली हो गया। और अपनी ग्रेन मिल में अब काफ़ी सारा शोरूम आ चुका है, तो काफ़ी देर तक आटा बनता रहेगा। अब इसको यहाँ से ब्रिज से निकाल लूँ। और ये मैंने 8.5 मीटर का इसलिए लिया है क्योंकि ये ब्रिज जो है ऑलमोस्ट इतना ही है, थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब 9 मीटर के आसपास है। और ये सामने से गाड़ी वाला रुका नहीं यार, अब इसके ऊपर से लेके जाऊँगा मैं ना, ये ले। और अगर मैंने 10 मीटर का भी लिया होता ना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके निकलता इस ब्रिज से, निकल सकता था बट नहीं निकल पाता क्योंकि सामने ये दो ना पोल से लगे हुए। तो अच्छा, ये पोल नहीं है, ये तो ऐसे साइन थे, टूट गए सीधे का सीधा। अब इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी खाली है तो हार्वेस्ट कर लेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि इस छोटे वाले हेडर से तो इसे भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ और सीड लगाना शुरू करता हूँ वीट के। और इसमें फर्टिलाइजर भी भरा हुआ है और सीड से भरे हुए हैं। तो अभी जो ट्रैक्टर खेत को कल्टीवेट कर रहा है उसने काफ़ी सारा कल्टीवेट कर लिया है, तो मैं वहाँ से सीड लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से पहले अनफोल्ड करता हूँ तो पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैंने वीट लगवाना स्टार्ट कर दिया और दीदी यहाँ आ चुकी है, दीदी को काम पर लगा दिया है। ठीक है, ये पत्थर वगैरह तो पड़े रहते खेत में, इनसे कोई इशू नहीं होता। वैसे मैं इनको उठा सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी बार भी उठा लो ये फिर से जो है निकल जाते हैं। जैसे खेत कल्टीवेट होता है नीचे से ऊपर की तरफ और पत्थर आ जाते हैं, क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा सा ऐसा माउंटेन वाला ही है ना, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे। और इस रिवर को देख के मेरे को याद आया कि मैंने ग्रीन हाउस नहीं लगाए हैं। तो पहले मैंने ग्रीन हाउस लगाए थे बट जब मैंने रेल लाइन के दूसरा खेत सेल किया तब मैंने ग्रीन हाउस भी सेल कर दिए थे। तो अभी एक भी ग्रीन हाउस नहीं है मेरे पास और ये वाला एरिया मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ। तो मैं यहाँ 2-3 ग्रीन हाउस ही लगा देता हूँ, कम से कम ग्रीन हाउस से टमाटो वगैरह कुछ तो मुझे मिलते ही रहेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, ग्रीन हाउस लगाते हैं कुछ। ये रे ग्रीन हाउस, और तीन तरह के हैं, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। लार्ज 10,000 यूरो का है, तो लार्ज ही लगाता हूँ ग्रीन हाउस ना। यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही, इधर हो रही जगह यहाँ पे ना, तो यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पानी सप्लाई करने में मुझे आसानी रहेगी। एक तो यहाँ पे आ गया और एक और आ जाए तो काम बन जाएगा। एक और नहीं आ रहा, नहीं यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं ना, इस चक्कर में नहीं आ पा रहा। तो कोई नहीं, इधर की साइड लगा देता हूँ, इधर भी तो जगह है। ये सारा एरिया फालतू में खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले अपना फार्म हाउस हुआ करता था, वो मैंने हटा दिया था जब अपने फार्म को थोड़ा मैंने बड़ा बनाया था। तो अभी यहाँ पे हो गए 3, और वैसे तो यहाँ पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 3 आ ही जाएंगे। तो इनसे मैं अभी प्रोड्यूस करूँगा टमाटो, और इनको पहले पानी ला के सप्लाई करना पड़ेगा। और इधर की साइड लगाना है एक शीप बान और एक जो है काओ बान, बट अभी बैलेंस नहीं बचा है, अभी सिर्फ 6,900 यूरो बचे हैं। बट कोई नहीं, अपनी ग्रेन मिल तो स्टार्ट हो चुकी है, बेकरी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब तो प्रॉफिट आना शुरू हो ही जाएगा। और अभी देख लूँ ग्रेन मिल से आटा कितना बन चुका है, अभी तो 213 लीटर बना है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
और ये पहुंचा ही नहीं पहुंचा अपनी बेकरी के अंदर, बेकरी में अभी नहीं पहुंचा, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। अभी मेरे को मेनली केक के लिए भी आटा चाहिए और ब्रेड के लिए भी आटा चाहिए। और डेयरी में क्या है, डेयरी में मिल्क खत्म हो चुका है। कोई नहीं, मिल्क तो मैं पहुंचा देता हूँ, मिल्क का टैंकर तो खड़ा हुआ है। तो ये खड़ा मिल्क का टैंकर, और अब डेयरी से मिल्क कलेक्ट कर लेते हैं। 5,000 लीटर आया है इस वाली डेयरी से, और बाकी 2 डेयरी हो रहे हैं उनसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा फुल हो जाएगा तो डेयरी में सप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, क्योंकि मैंने सबसे बाद में लगाया था। इससे मिल्क ही नहीं आया, क्यों इसमें मिल्क क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, इसमें क्या इशू है। ये लार्ज काओ पेस्चर वाली, इसमें तो मिल्क ही नहीं है। ओ, इसमें छोटे वाली काओ है। ये सारी काओ मैंने बहुत छोटी ली थी, तो ये भी बड़ी नहीं हुई है, तो ये मिल्क देने के लिए रेडी नहीं है। अभी ये 13 मंथ की हुई हैं, और 18 मंथ से पहले काओ मिल्क देती नहीं है। और जो अपने दूसरे वाले बान है, इसमें तो ये 60 मंथ की हो चुकी है, और एक में 32 मंथ की हो चुकी है। तो इन दोनों में तो मिल्क दे रही है। तो एक से तो मैंने मिल्क ले लिया सामने वाले से, और इस वाले से मिल्क अभी मिलेगा नहीं। एक और काओ बान रह गया जो ऊपर लगाया हुआ है, उससे मिल्क ले लेता हूँ। और इसका मेरे कलेक्शन का यहाँ पे है, तो इधर से लेके चलता हूँ। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया, दूसरे साइड से सही था। यहाँ से बाहर निकलना तो आसान है क्योंकि नीचे की तरफ स्लोप होता है, बट थोड़ा ऊपर चढ़ाने के लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ से भी काफ़ी कम मिल्क मिला है। अभी तो अपना टैंकर आधा भी फुल नहीं हुआ है। मुझे लगा था टैंकर पूरा फुल हो जाएगा, बट फुल नहीं हुआ, हाफ भी नहीं हुआ एक्चुअल में, तो 49% ही हुआ है। बट अभी मिल्क सप्लाई करके डेयरी को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि डेयरी को मेनली मिल्क ही चाहिए, बिना मिल्क के डेयरी रुक जाती है। ये हो गया मिल्क सप्लाई, अब देख लेते हैं। अब तो सारी प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादातर शुरू हो जानी चाहिए। डेयरी स्टार्ट हो गई, ये अभी यहाँ पे आटे का वेट हो रहा है, और आटा यहाँ पे 265 लीटर आ चुका है। तो थोड़ा शायद 300-400 लीटर हो जाएगा, उसके बाद सप्लाई होगा बेकरी में, और ये ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाता है। तो बाकी शुगर मिल तो बंद पड़ी है, अभी बंद भी रहेगी क्योंकि अभी सीजन ही नहीं है। तो जब शुगर केन लगाएंगे उसके बाद ये स्टार्ट होगी। और बायोगैस प्लांट फिर से बंद हो चुका है, तो अभी ग्रीन हाउस जो लगाए हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और शुगर मिल भी बंद पड़ी हुई है। ग्रीन हाउसेस को खाली पानी देना और ये स्टार्ट हो जाएंगे। पर इनको पानी देने के लिए दूसरा बड़े वाला टैंकर चाहिए, और वो टैंकर मैं लीज पे ही लेने वाला, काफ़ी ज़्यादा रेंट पड़ता है उसका, तो कोई फ़ायदा इतना होता नहीं है। तो अभी इन ग्रीन हाउसेस को ऐसे ही रहने देता हूँ, और थोड़ा सा भी अमाउंट आ जाएगा उसके बाद जो है मैं उस टैंकर को डायरेक्टली परचेज करके ले आऊँगा, तभी इन ग्रीन हाउस को स्टार्ट करूँगा। बाकी जो है अभी खेतों को हार्वेस्ट करने में और नया सीड लगाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, और ऐसा कुछ काम अभी फार्म पे है नहीं। और यहाँ पे सुपरमार्केट पे तो मैंने ये सामान रखा हुआ है, ये अभी ज़्यादातर सेल हो गया है, ये टमाटो वगैरह बस 3-4 बैग रहते हैं भूल के, ये भी सेल हो जाएंगे। और बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।